अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है और आज हम इस वीडियो के अंदर अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे अल गनी शिफा क्लिनिक के नाम से। तो ये मैंने एसक्यूएल सर्वर ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे डॉट एसक्यूएल एक्सप्रेस ये मेरे पीसी का सर्वर नेम को ये यहाँ पे शो कर रहा है और ये विंडो ऑथेंटिकेशन के लिए हमने डेटाबेस अगर यहाँ से कनेक्ट करें तो ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जबकि हमने एक डाटा अपना डेटाबेस जो है एक लाइव सर्वर पे यानी कि होस्ट करवाना है, तो सबसे पहले हम ना अपना उस सर्वर का नाम, लाइव सर्वर का नाम हम वेबसाइट से जाके ले लेते हैं और वहां से उसका ये जो सर्वर एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन के और ये लॉगिन आईडी भी और पासवर्ड भी हम वहां से ले लेते हैं। उसके बाद डेटाबेस क्रिएट करेंगे हम अपने ऑनलाइन सर्वर पे, क्रिएट इसी के अंदर करेंगे लेकिन ये ऑनलाइन सर्वर से कनेक्टेड होगा। तो आइए पहले सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं, तो यहाँ पे सर्च करते हैं स्मार्टर esp.net। तो ये शो हो चुकी है, तो गेट स्टार्टेड पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर 60 डेज फ्री ट्रायल है, इसको नहीं छेड़ना, नीचे लॉग इन नेम देना है, यहाँ पे लॉगिन नेम देना है। तो मैं यहाँ पे अल गनी क्लिनिक के नाम से क्लिनिक अल गनी क्लिनिक MS दे देता हूँ और ईमेल अपनी दे देता हूँ जो कि ये है मेरी ईमेल। इस तरह कंफर्म भी करा देते हैं। कंफर्मेशन इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इसने मेल भेजना है एक्टिवेशन के लिए और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड दे देते हैं। ये पासवर्ड हो गया, इसको रीटाइप करते हैं। पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, दोबारा हम दे देते हैं। अब मैच कर गया, यहाँ पे ज्यादा शो करता है और यहाँ पे कम। नीचे जाते हैं हम साइन अप पे, देख पता चल जाएगा आप ही नहीं मैच कर रहे। ये तो ठीक है, यहाँ पे मैंने इजाफी दे दिया था। अब ठीक है, तो जी बिल्कुल ये साइन अप हो चुका हूँ। आप जीमेल पे जाना है, तो ये पासवर्ड सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा बार बार ना देना पड़े। तो ये जीमेल पे आ चुका हूँ, ये आ चुका है अकाउंट एक्टिवेशंस। और अब यहाँ से रिडायरेक्ट करके हम स्मार्टर esp.net पे चले जाते हैं। और यहाँ जी बिल्कुल नाम और यूजर नेम लोड हो चुका है, यहाँ से लैंग्वेज स्टार्ट सेलेक्ट कर लेंगे इंग्लिश और ये नीचे सिक्योरिटी कोड गिवन है, इसको इंटर कर के साइन इन करते हैं। तो ये होस्टिंग अकाउंट चाहे एम स्टॉक इन्वेंट्री एक है, हमने एक्चुअली जो है ना हमने गलत यहाँ पे हमने देना है, ये जो अब हमने अल गनी क्लिनिक के नाम से किया है, अल गनी क्लिनिक के नाम से ये वाला देना है और ये सिक्योरिटी कोड आप दोबारा इसको साइन इन करते हैं। जी बिल्कुल, ये और आ चुके हैं आपको, कहते हैं 60 डेज फ्री ट्रायल।
आप यहाँ से ट्राई ना करेंगे और तो ये 30 डेज फ्री ट्रायल होगा। वो कहता है कि इसको शेयर करें फेसबुक पे, मैं यहाँ से शेयर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से फेसबुक पे शाय कर देता हूँ, इसे शाय हो चुका है। और यहाँ पे फिर ये देख सकते हैं आप 60 डेज फ्री ट्रायल हो गया, एक मंथ बढ़ गया। ट्राई नाउ पे आना है, ट्राई नाउ पे आके क्या करना है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये साइड वन दे रहा है, हम इसको नहीं चढ़ते, आई अंडरस्टैंड करते हैं, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। बेसिकली साइट नेम है, साइड वन ही रहने देते हैं और इसके बाद इसको कर देते हैं सबमिट। ये कहता है कि कुछ टाइम लगाएगा, उसके बाद क्या कर देगा। तो ये माय होस्टिंग अकाउंट क्रिएट हो चुका है, कंट्रोल पैनल पे जाना है। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद डेटाबेस पे आना है। डेटाबेस पे आने के बाद एमएस एसक्यूएल डेटाबेस सेलेक्ट करें। उसके बाद जो आपने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर रखा है, मैंने एमएस एसक्यूएल 2014 इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और इसको फिर सबमिट करा दिया। तो जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि मेरे सर्वर यहाँ पे ऑनलाइन सर्वर का जो नेम आ चुका है और यूजर नेम भी आ चुका है और पासवर्ड भी, ये तीन चीजें। अब हम अपने एसक्यूएल सर्वर 2014 पे जाते हैं, यहाँ पे इस पे आ गए। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉपी, ये वाला कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद अपने इस एसक्यूएल सर्वर पे आओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ये एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मैंने सेलेक्ट की हुई है और इसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट। यहाँ पे भी जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड अपना। यूजर नेम, सॉरी यूजर नेम, ये यूजर ये है यूजर आईडी, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें और यहाँ पे फिर पासवर्ड भी दे दें और आप इसको कनेक्ट करवा देते हैं। और ये अपना यूजर नेम याद रखना है, और यूजर नेम तो वहां से आप ले सकते हैं लेकिन पासवर्ड आपने अपना याद रखना है। तो ये आप हमारा ऑनलाइन सर्वर पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर आपने टेबल क्रिएट करते जाना है और इसको फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर कनेक्ट करवा के वहां पे इस पे काम करना है जाके। जी बिल्कुल, ये डेटाबेस अगर एक्सपेंड करें तो आप देख सकेंगे कि ये डीबी अलगनी क्लिनिक एमएस के नाम से आ चुका है। अब इसके अंदर हमने क्या करने है, टेबल क्रिएट करने हैं। तो जी बिल्कुल, ये रेडी हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से एक टेबल पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे आके टेबल सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने टेबल्स का जो है ना वो क्रिएट बनाए हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके स्क्रिप्ट। तो यहाँ से क्लाइंट की इन्फो हम यहाँ पे सबसे पहले दे देते हैं इस टेबल। कहता है कि कनेक्शंस का इश्यू आ गया एसक्यूएल एडिटर का, नेटवर्क का कोई इश्यू आ गया। दोबारा हम इसको रिफ्रेश करते हैं। वो डिसेबल हो गई थी वाईफाई, आप दोबारा जो है कनेक्ट करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब दोबारा कनेक्ट ही हो चुका है। तो अब दोबारा हम इसको रिफ्रेश करते हैं।